हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिल गुप्ता। आई एम फ्रॉम रेजोनेंस। आई एम केमिस्ट्री फैकल्टी एट रेजोनेंस एडवेंचर लिमिटेड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, कोल एंड पेट्रोलियम। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। अनदर नेम ऑफ दिस चैप्टर इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, किसी ने किसी बुक में इस चैप्टर का नाम नेचुरल रिसोर्सेज लिखा हुआ होता है। तो कोल एंड पेट्रोलियम बोले या नेचुरल रिसोर्सेज बोले, बोथ आर सेम। इस चैप्टर के अंदर हम पहले समराइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेसन आर, तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं अपन, टॉपिक्स जो हमको कवर करने, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेसन। फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इसमें, इंट्रोडक्शन, इंट्रो, इंट्रोडक्शन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे इसमें नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस सेकेंड वन डिस्कस कर, थर्ड वन हम डिस्कस करेंगे इसमें इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। फोर्थ वन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। फिफ्थ वन, ये हम इस चैप्टर के अंदर ये वाले सारे टॉपिक्स हैं जो कवर करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम में। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड नेचुरल रिसोर्सेज, थर्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, फोर्थ वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे कोल जो कि हमारे चैप्टर का मेन पार्ट है, सिक्स हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम, सेवन्थ हम डिस्कस करेंगे इसमें नेचुरल गैस, और एट्थ जो सबसे लास्ट पार्ट होगा हमारे पास जुडिशियस यूज ऑफ यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। तो टोटल हमारे पास एट पार्ट है जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेसन आर, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड हमारे पास होगा नेचुरल रिसोर्सेस, थर्ड वन होगा इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, फोर्थ वन होगा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, फिफ्थ वन होगा कोल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, सिक्स पेट्रोलियम ये भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेवन्थ नेचुरल गैस, और एट्थ करेंगे जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट लेट वी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट सब टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए क्या हो, यूज़फुल हो। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए क्या हो, यूज़फुल हो। जैसे फॉर एग्जांपल सन, एयर, वाटर, सोइल, फॉरेस्ट, मेडिसिन, पेंट, ये सब हमारे लिए क्या होती है, यूज़फुल होती है। सन किस तरह से यूज़फुल है हमारे लिए, जैसे सन से क्या होती है, हमारे पास एनर्जी आती है, तो इस एनर्जी का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एनर्जी का यूज़ करते हैं हम टू डू वर्क, इट इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज डिफाइंड एज द इट इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। तो सन का हम क्या यूज करते हैं, एनर्जी के। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो कोई काम करने के लिए मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो इसका मतलब है मुझे काम करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट, वर्क करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये इंट्रोडक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज जो पोटेंशियल वेल्थ ऑफ कंट्री को बताता है, कंट्री के पास कितनी मैन पावर है, कंट्री के पास कितना पैसा है, दैट इज़ द हमारे पास क्या बताता है, रिसोर्सेज बताते हैं। और बोल सकते हैं रिसोर्सेज हमारे पास लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। लिविंग का मतलब है दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है जो हमको प्लांट और एनिमल से मिलता है। प्लांट और एनिमल का मतलब है जैसे जैसे प्लांट और एनिमल से हमको बहुत सारे एसिड्स मिलते हैं, एसिड जो एसिड मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड, ये भी हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज है। नॉन लिविंग का मतलब होता है बच्चों कि जो हमको ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमको अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं,
क्या मिलते हैं अर्थ क्रस्ट पे। अर्थ क्रस्ट पे हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, रॉक सॉल्ट जो हमने पढ़ा है, नमक सॉल्ट, जो नमक जो पढ़ा है वो भी हमको कहाँ मिलता है, अर्थ क्रस्ट पे मिलता है। तो ये सब हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज है, सब हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज जो बेसिकली रिसोर्सेज का यूज़ सबसे ज़्यादा हर जगह हर चीज़ में किया जाता है। रिसोर्सेज लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। तो ये सब हमारे किस कैटेगरी में बात करते हैं, इंट्रोडक्शन की कैटेगरी में बात करते हैं। तो रिसोर्सेज हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रिसोर्सेज को हम पढ़ सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम इंट्रोडक्शन के, फर्स्ट पॉइंट होता है रिसोर्सेज, फर्स्ट हेडिंग जो हमारी बहुत होती है रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज को पहले हम राइट डाउन करेंगे। रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या होती है, रिसोर्सेज एनीथिंग जो भी कुछ भी चीज है वो सब, एनीथिंग विच इज यूज, एनीथिंग विच इज यूज बाय ह्यूमन, एनीथिंग विच इज यूज बाय ह्यूमन फॉर हिज सर्वाइवल, फॉर हिज सर्वाइवल और वेलफेयर, और वेलफेयर, एनीथिंग विच इज यूज बाय ह्यूमन फॉर हिज सर्वाइवल और वेलफेयर कैन बी कॉल्ड एज रिसोर्सेस, कैन बी कॉल्ड एज रिसोर्सेस। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि एनीथिंग विच इज यूज फॉर ए ह्यूमन फॉर हिज सर्वाइवल और वेलफेयर, फॉर हिज सर्वाइवल और वेलफेयर कैन बी कॉल्ड एज रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज मैंने बताया, रिसोर्सेज कुछ मतलब, रिसोर्सेज का सिंपल मीनिंग है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए क्या हो, यूज़फुल हो, जो हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है, वो सब हम किस कैटेगरी में रखेंगे, रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखेंगे। तो अभी हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहे, हम केवल डिफाइन कर रहे हैं ओनली फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, फॉर एग्जाम्पल जैसी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए यूज़फुल है, या लार्ज नंबर ऑफ थिंग जो सराउंडिंग में अवेलेबल है, वो सब हमारे पास क्या होगी, रिसोर्सेज होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर, वी नो दैट हम एयर जानते हैं, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसका क्या होता है, मिक्सचर होता है, कोमा। सेकंड वाटर, वाटर इज ए अनादर क्या है, रिसोर्सेज। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2O, H2O भी हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज है, H2O भी हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज है। तो ये वाटर हो गया, और बोल सकते हैं सोइल, एयर हो गया, कोमा वाटर सोइल, और भी हो सकते हैं मेडिसिन, मेडिसिन पेंट, मेडिसिन हो गया पेंट, सो पेंट हो गया मेडिसिन कोमा पेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, ये सब हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं कि एनीथिंग विच इज़ यूज बाय ह्यूमन, एनीथिंग विच इज़ यूज बाय ह्यूमन फॉर हिज सर्वाइवल और वेलफेयर कैन बी यू कॉल्ड एज ए रिसोर्सेज। रिसोर्सेज एयर, वाटर, सोइल, मेडिसिन, पेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। तो ये सब रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज में हमने टॉपिक्स सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात की थी, तो इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में समझा कि रिसोर्सेज जो हमारे लिए यूज़फुल है वो सब हमारे पास, सब वो हमारे लिए क्या होते हैं, जो ह्यूमन बींग के लिए क्या हो, सर्वाइव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज को हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं इन द टू टाइप्स, रिसोर्सेज को हम दो टाइप में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ब्रॉडली क्लासीफाई इन द टू टाइप्स। जनरली आप सबने देखा है रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड वन होता है हमारे पास मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें जो नेचर में हमको मिलते हैं, वो सब क्या होते हैं हमारे पास, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर नेचर में मिलती है,
हमने पढ़ा है भी रिसोर्सेज में, वाटर भी नेचर में मिलता है, सोइल हमको क्या मिलती है, नेचर में मिलती है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये तीनों हमारे पास क्या होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। मेन मेड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज जो कौन बनाता है, मेन मेन बनाता है, ठीक है। जो भी आर्टिफिशियली जो जनरेट करते हैं उनको हम बोलते हैं मेन मेड, क्या बोलते हैं, मेन मेड रिसोर्सेज। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन है ना, मेडिसिन हमारे पास, व्हीकल हुआ, ये सब हमारे पास क्या, पेंट हुआ, ये सब हमारे पास क्या है, मेन मेड क्या है, रिसोर्सेज हैं। और आपने देखा हुआ होगा आजकल उसको भी डिवाइड कर दिया हुआ है कि नेचुरल रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया होता है, कि एक तो मेन मेड और एक तो हम यहाँ पे फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फिर एक वन बाय वन एक को डिस्कस कर लेंगे। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वन इज, वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे अपन। फर्स्ट वन इज ए, जिसे हम बोलते हैं मैन मेड, मैन मेड रिसोर्सेस, मैन मेड रिसोर्सेस। सेकेंड वन हमारे पास होता है बी, सेकेंड वन होता है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस। मैन मेड नेचुरल रिसोर्स को हम आर्टिफिशियल रिसोर्स भी हो सकते हैं, सिंथेटाइज है, मैन ने बनाए, तो नेचुरल रिसोर्सेस। इसको मैन मेड रिसोर्सेस डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, पहले फ्लो चार्ट बना लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, फर्दर क्लासिफाई इन द टू कैटेगरी। फर्स्ट हमारे पास होता है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। सेकेंड वन हमारे पास होता है स्मॉल बी, सेकेंड वन हमारे पास होता है सेकेंड वन हमारे पास होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं इन द टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। सेकेंड वन इज ए रिन्यूएबल के आगे लगाते हैं नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस, हाँ नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। तो हमने एक फ्लोर चार्ट बना लिया है कि नेचुरल रिसोर्सेस को ये सबसे याद करने का सबसे आसान तरीका है। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस दो टाइप के होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेस, सेकेंड वन होता है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर क्लासीफाई करते हैं टू कैटेगरी, स्मॉल ए स्मॉल बी। स्मॉल ए को बोला इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, सेकेंड वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स को फर्दर क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरी में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम इस टॉपिक में वन बाय वन इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा, फर्स्ट होगा मेन मेड, फर्स्ट जो हेडिंग होगा हमारे पास ए पॉइंट वो होगा मेन मेड रिसोर्सेज, मेन मेड रिसोर्सेज।
फर्स्ट वन हमारे पास होगा मैन मेड रिसोर्सेज। तो मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, पहले तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जिनको कौन बनाता है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, वो सब हमारे पास क्या होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं। इन्हें आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। या लिख सकते हैं डेफिनेशन, दोज रिसोर्सेज which are made by those resources which are made by men, those resources which are made by men are called as, those resources which are made by men are called as man-made resources. Those resources which are made by men are called as man-made resources. तो man-made जो हम synthesize कर रहे हैं आजकल, man-made ज़्यादा चलन में है, तो man-made चलन में है। तो for example, जो example कौन कौन से होंगे, जैसे ऊपर लिख देता हूँ example, एग्जाम्पल जो मेन मेड के एग्जाम्पल होंगे, सबसे पहले जिसे जैसे मेडिसिन, मेडिसिन जितने भी है वो क्या है, मेन मेड है। पेंट ये भी हमारे पास क्या है, मेन मेड है। जिन्होंने व्हीकल्स जितने भी हैं वो सब क्या है हमारे पास, मैन मेड है। मेडिसिन्स, पेंट, व्हीकल, ये सब हमारे पास क्या है, मैन मेड नेचुरल रिसोर्सेज है। तो आज का लगभग जो भी चीज़ें हैं, नायलोन दैट इज़ द मैन मेड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या होते हैं, मैन मेड। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि दोज रिसोर्सेज विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड एज मैन मेड रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड एज मैन मेड रिसोर्सेज। सेकेंड वन बी है हमारे पास, सेकंड वन है नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को पहले हम देख रहे हैं, ऐसे नाम से पता लग रहा है बच्चों, नेचुरल है, जो नेचर में हमको मिलेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसी जो हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है, जो हमारे ह्यूमन के लिए मतलब हम जैसों के लिए क्या है, यूज़फुल है। तो ठीक है, तो रिसोर्सेज एफिशिएंट लिख लेते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज which are obtained from nature, those resources are obtained from nature, are called as natural resources। सिंपल से नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमको नेचर में मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। और मैन मेड रिसोर्सेज जो हम क्यों बनाते हैं, आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं। एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज का सब जानते हैं, एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज का
जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है कोल, जो हम इस चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस करेंगे पूरा कोल कोल को। सेकंड वन इज ए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पेट्रोल पेट्रोलियम दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सोइल, ये भी हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, कोल पेट्रोलियम सोइल, और भी हो सकते हैं फॉरेस्ट, ये भी नेचुरल रिसोर्स है, वाइल्ड लाइफ, ये भी हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। लास्ट वन इज ए मिनरल, मिनरल्स एटसेट्रा, ये भी हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है, मिनरल्स एटसेट्रा। तो ये भी हमारे पास क्या, अच्छा मिनरल होता क्या है, मिनरल होता क्या है, तो मिनरल को आगे डिस्कस करते हैं कि मिनरल होता क्या है। मिनरल मिनरल हमको क्या मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, जिनका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो हमें क्या मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। देख लेते हैं, नोट डाल के लिखेंगे अभी, मिनरल नोट, मिनरल नोट डाल के लिखेंगे कि मिनरल होता क्या है। मिनरल की डेफिनेशन डबल इन्वर्टेड कॉमा में, द रॉक इन विच द रॉक्स इन विच मेटल अकर, मेटल्स अकर, द रॉक्स इन विच मेटल मेटल अकर फ्री इन नेचर एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म, द रॉक इन विच मेटल अकर फ्री इन नेचर एज वेल एज कंबाइंड इन नेचर, इन नेचर आर कोल्ड एज, आर कोल्ड एज मिनरल, आर कोल्ड एज मिनरल डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो ठीक है, मिनरल का मतलब डेफिनेशन मैंने लिख दी कि मिनरल क्या होता है, कि ऐसे रॉक, रॉक का मतलब होता है बच्चों चट्टान, जो बड़े बड़े लम्स जो मिलते हैं हमको, वो क्या होती है, चट्टाने होती है जो हमको अर्थ क्रस्ट में मिलती है। द रॉक इन विच मेटल अकर फ्री स्टेट, इन नेचर का मतलब है फ्री स्टेट, फ्री स्टेट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, फ्री स्टेट, फ्री स्टेट एज वेल एज द कम्बाइंड, इन नेचर का मतलब यहाँ स्टेट भी लिख सकते हैं, फ्री स्टेट एज वेल एज द कम्बाइंड स्टेट आर कोल्ड एज ए मिनरल, दोनों सही है। द रॉक इन विच मेटल अकर फ्री स्टेट एज वेल एज द कम्बाइंड स्टेट आर कोल्ड एज मिनरल्स। तो मिनरल्स, मिनरल की डेफिनेशन हमारे पास होगी, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो हमको बड़े बड़े चट्टान की फॉर्म में जो बड़े बड़े लम्स मिलते हैं, उनमें मेटल क्या होती है, जो मेटल, मेटल आप जानते ही, मेटल्स क्या होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, जैसे सोडियम पोटेशियम, ये सब हमारे पास क्या होती है, मेटल होती है। ठीक है, कम्बाइंड फ्री नेचर का मतलब है जो आपको अर्थ क्रस्ट पे क्या मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी, जो आपको कम्बाइंड मतलब ऐसे एज इट इज फॉर्म में मिल जाएगी। फ्री फ्री स्टेट में कौन कौन सी नेचर, कौन कौन सी मेटल मिलती है, फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में आपको मिलेगी जैसे गोल्ड एजी, दैट इज द सिल्वर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंबल ऑफ सिल्वर कॉमा गोल्ड, गोल्ड एयू, ये सब क्या होती है हमारे पास फ्री स्टेट में मिलती है। कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों, कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट जो मैंने ऊपर लिखा है, कंबाइंड स्टेट में भी आपको मिनरल मिलते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बॉक्साइट, बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 डॉट 2H2O, ये हमारे पास बॉक्साइट हो गया, ये सब आपको क्या मिलती है, कंबाइंड फॉर्म में मिलती है। तो ये दैट इज़ ए बॉक्साइट, बहुत सारी अलग अलग मिलती है, क्ले, ये सब क्या है हमारे पास, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंबाइंड फॉर्म। तो ये था हमारे पास जो हमने दो टाइप में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट वन इज़ ए कैटेगराइज किया था हमने कि मैन मेड जो हमको कहाँ मिलते हैं, जो
हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं, जिन्हें सिंथेसाइज करते हैं या जिन्हें सिंथेसाइज करते हैं बाय ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, उनको हम मैन मेड क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे मेडिसिन ह्यूमन बनाते हैं, व्हीकल्स ह्यूमन बनाते हैं, दैट इज़ आप जानते ही हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो जो नेचर में हमको अर्थ क्रस्ट पे ऐसे ही मिलते हैं, दैट इज़ द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कॉल, पेट्रोलियम, इन दोनों टॉपिक को हम लेटर डिस्कस करेंगे। सॉइल आप जानती हैं नेचर में मिलती है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स। मिनरल्स को मैंने डिफाइन कर ही दिया है कि जो जहाँ पे हमको क्या मिलते हैं, जिनका केमिकल, आप एक को लिख सकते हैं डेफिनेशन, जिनका केमिकल कॉम्बिनेशन क्या, केमिकल फॉर्मूला क्या होते हैं, हाँ, फिक्स्ड होते हैं, दैट इज़ अ मिनरल। तो जो हमें नेचर में क्या मिलते हैं, जिनका फिक्स्ड के नेचर में क्या होते हैं, जो फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। दिस इज ना, तो अब नेचुरल रिसोर्सेज को हमने क्लासिफाई किया था दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज़ ए इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज ए इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट लिखेंगे हम ए पॉइंट, जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था टाइप्स ऑफ का, सबसे पहले लिखेंगे इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, इन एग्जॉस्टिबल, सबसे फर्स्ट लिखेंगे इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। तो इसमें इन एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है, देखिए एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो एग्जस्ट हो जाए सारा। जैसे आपने, हमको कोई एनर्जी मिली, तो एनर्जी हमने किस में कर दी, काम में लगा दी, वर्क करने में लगा दी। एनर्जी किस में लगा दी, वर्क करने में लगा दी। तो जैसे मान लो हम सुबह मॉर्निंग के टाइम पे घूमने गए, तो घूमने जाने के बाद क्या होगा, हम सुबह से घूम के आए, 3 से 4 आवर्स हमने घूम के आए इस, या हम मॉर्निंग वॉक करके आए, तो उसके बाद हमारी एनर्जी क्या होगी, पूरी लॉस्ट होगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, दैट इज़ द एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल मतलब हमारे पास जो एनर्जी थी वो लिमिटेड क्वांटिटी में थी, वो पूरी में क्या कर चुका हूँ, एग्जॉस्ट कर चुका हूँ। तो इन एग्जॉस्टिबल का मतलब है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। क्या है, ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो हम वो कहाँ मिलते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट, रिसोर्सेज दैट, रिसोर्सेज दैट आर यूज इन, दैट आर यूज इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, अनलिमिटेड क्वांटिटी, रिसोर्सेज दैट आर यूज इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, जो हमको क्या मिलते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं, दैट इज द क्या होते हैं, वो इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, इन एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। या फिर एक और बोल सकते हैं रिसोर्सेज दैट, मतलब इनका इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को दैट, एक और लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिसोर्सेज दैट आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन रिसोर्सेज दैट आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी एंड देयर यूजेज। ठीक है, रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, इनके अगर ह्यूमन ह्यूमन बींग ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन कितना भी कंजप्शन करें, तो उस रिसोर्सेज क्या होते हैं, एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। जो हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, वो सब हमारे पास क्या है, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनका, या बोल सकते हैं फ्यूचर की जो अवेलेबिलिटी है वो इंडिपेंड होती है अर्लियर कंजप्शन। एक और नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, फ्यूचर अवेलेबिलिटी, फ्यूचर
अवेलेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट, फ्यूचर अवेलेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अर्लियर कंजप्शन, ऑफ अर्लियर कंजप्शन, ठीक है, फ्यूचर अवेलेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अर्लियर कंजप्शन। अगर इस अर्लियर अभी इस समय हम कंज्यूम करते जाएंगे जो भी मेन रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, मतलब हमारे पास क्या है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो ऐसे कौन कौन से इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है जो हमारे पास क्या है अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल जो सब जानते हैं एयर। एयर क्या होती है? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेस लाइक CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह से एयर। सेकेंड वन इज ए वाटर। वाट इज वाटर? दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। वाटर सब जानते हैं बच्चे, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं जो हमारे पास इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में? एयर हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, वाटर हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। थर्ड वन जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एयर हो गया, वाटर हो गया, और आप क्या ले सकते हैं सन एट्सेट्रा। जो सन भी क्या है हमारे पास इनएग्जॉस्टिबल है। सन से हमको एनर्जी मिलती है। एनर्जी का मतलब होता है इट इज़ एबिलिटी टू डू वर्क, जो हम जिस वो एनर्जी का हम क्या करेंगे वर्क में यूटिलाइज करेंगे। दिस इज इनएग्जॉस्टिबल जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होती है। अगर ह्यूमन जो जितना भी ह्यूमन क्या करेगा इसको कंज्यूम करेगा वो फ्यूचर पर डिपेंडेंट नहीं होता कि अगर ह्यूमन ज़्यादा यूज करेगा तो फ्यूचर में क्या होगा ये ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। इनएग्जॉस्टिबल है वो। एयर है, एयर हमारे सराउंडिंग में है, वाटर हमारे ओशियंस में है, ठीक है, और सन से हमको एनर्जी हम क्या करते गेन करते हैं। तो दिस इज एन फर्स्ट इनएग्जॉस्टिबल। हमने नेचुरल सोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एग्जॉस्टिबल इन एग्जॉस्टिबल। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है इन एग्जॉस्टिबल, तो इसके बाद पढ़ेंगे सेकंड वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेस। सेकंड वन हमारे पास होगा एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेस। सेकंड वन फर्स्ट हो गया, सेकंड होगा बी पॉइंट एग्जॉस्टिबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। एग्जॉस्टिबल मतलब एग्जॉस्ट हो जाना, जो हमारे पास क्या होंगे लिमिटेड क्वांटिटी में होंगे वो हमारे पास क्या, वो क्या होंगे हमारे पास एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस दैट आर यूज इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, जो हमारे पास क्या होते हैं लिमिटेड क्वांटिटी। जो हमारे पास क्या होंगे लिमिटेड क्वांटिटी में होगी, तो रिसोर्सेज दैट आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एंड जस्ट इसका रिवर्स एग्जॉस्टिबल में जितना भी हम स्पेंड कर चुके हैं जो भी हम कंजम्पशन करेंगे वो सब क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम पे। तो सेकंड वन इज क्या हो जाएगा एग्जॉस्टेड रिसोर्सेस दैट आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड या स्पेंड एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी एंड देयर यूजेस। जितने भी अगर ह्यूमन जो भी ह्यूमन जितना भी एक्टिविटी को कंज्यूम करेगा कंजम्पशन लेगा उनका यूज करेगा तो वो क्या होंगे रिसोर्सेज धीरे धीरे क्या होते जाएंगे खत्म होते जाएंगे स्पेंड होते जाएंगे एग्जॉस्ट होते जाएंगे। दैट इज द वो हमारे पास क्या है लिमिटेड क्वांटिटी में है। दैट इज द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज दैट आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी एंड देयर यूजेज। फॉर एग्जाम्पल जो खत्म होने के हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास एग्जॉस्ट हो जाएंगे आने वाले टाइम पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल
कोल आपको पता है, कोल हम जमीन से निकालते हैं। कोल को कहाँ से निकालते हैं? जमीन से निकालते हैं। तो कोल को अगर जमीन से निकालेंगे कितने साल, 50, 50 साल बाद, 100 साल बाद, वो क्या हो जाएगा? वो कोल क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो कोल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पेट्रोल भी वही चीज़ है, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हैं, तो कोल पेट्रोल दैट इज़ द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक फर्स्ट होता है रिन्यूएबल, इसका पार्ट देखिए, फर्स्ट हमारे पास से फर्स्ट वन इज ए रिन्यूएबल, रिन्यूएबल फर्स्ट वन इज ए हमारे पास रिन्यूएबल। एग्जॉस्टिबल को दो पार्ट में कैटेगराइज किया है हमने, फर्स्ट किया है रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज, सेकेंड वन हमने किया है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो रिन्यूएबल का मतलब होता है जो हम जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिसको एक टाइम बाद हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, दैट इज़ द रिन्यूएबल। जैसे दे कैन बी रिकवर्ड बाय देम सेल्फ, हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी नेचुरल रिसोर्स का मतलब है दे कैन बी रिकवर्ड बाय देम सेल्फ, या रिकवर्ड को हम बोल सकते हैं रिप्लेनिश बाय देम सेल्फ, एक ही बात है, दे कैन बी रिप्लेनिश बाय देम सेल्फ या रिकवर्ड बाय, रिकवर मतलब हम रिकवर कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, जिनका हम रिन्यू कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं रिन्यूअल का, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज दे कैन बी रिकवर्ड बाय देम सेल्व, नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, ये एग्जॉस्टेड नहीं होते, मतलब एक रीजनेबल टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद आप उनको रिकवर कर सकते हैं, दैट इज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल सोइल, सोइल दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी हम एक रीजनेबल टाइम के बाद क्या कर सकते हैं, इसको रिकवर कर सकते हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सेकेंड वन जो लास्ट पार्ट है हमारा, सेकेंड वन इज ए नॉन रिन्यूएबल, जिसको एक बार यूज़ कर लिया जाए, एक बार जिसको यूज़ कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिकवर नहीं कर सकते दोबारा। तो सेकेंड वन है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल, दे कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय देम सेल्फ, दे कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय देम सेल्फ, देम सेल्फ जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते, मतलब दीज मे बी, मतलब क्या होगा वो, दीज मे बी एग्जॉस्टेड, दीज मे बी एग्जॉस्टेड। तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है दी कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय देम सेल्फ, दीज मे बी एग्जॉस्टेड, मतलब उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, मतलब थोड़े टाइम, एक रीजनेबल टाइम हो जाए, तो 40 साल, 50 साल, 100 ईयर्स बाद वो क्या हो जाएगा, पूरा ही कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टेड हो जाएगा, मतलब पूरा खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हर कोई जानता है कोल, कोल अभी है, कोल प्रेजेंट टाइम पे है, लेकिन आने वाले 40 या 40 to 50 ईयर्स या 100 ईयर्स बाद क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सेकेंड वन इज पेट्रोल और थर्ड वन इज मिनरल। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।